आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा ग्वालियर जिले के शारदा चौराहे पर भारत के स्वच्छता के जनक संत श्री गाड़गे जी की प्रतिमा को तोड़ने के विरोध में आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए एवं दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के कारण रजक समाज में रोष व्याप्त है एवं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह कहा गया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होंगी एवं उक्त प्रतिमा के स्थान पर ससम्मान एक नई प्रतिमा की स्थापना की जाए। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सभी पदाधिकारी एवं समाज बंधु मौजूद थे। ज्ञापन सौंपने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि भारत सरकार भारत देश के अंदर विगत कुछ माह से देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निरंतर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में साडा रोड पर स्थापित रजक समाज में जन्मे और भारत में स्वच्छता के जनक राष्ट्रीय संत श्री गाड़गे आज रजक समाज गुना द्वारा दिनांक 2/4/2018 को ग्वालियर जिले के संत गाड़गे जी महाराज की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक रजक समाज द्वारा ज्ञापन SDM महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है। जो कुछ समय से भारत देश में महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने का जो घटनाक्रम चल रहा है, उसी प्रकरण के संबंध में हमारे रजक समाज के और भारत में स्वच्छता के जनक राष्ट्रीय संत श्री गाड़गे जी महाराज की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्वों ने किया, उससे भारत देश के संपूर्ण रजक समाज में रोष व्याप्त है और उसी रोष के तत्वधान में हम लोग आज यहाँ SDM महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और देश में महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने की मांग आज हम लोग यहां पर SDM महोदय के माध्यम से भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से करने आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में आज स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के अंतर्गत 13 से लेकर 19 वर्ष तक की बालिकाओं में रक्त की कमी एवं महामारी संबंधित समस्याओं की पहचान एवं उपचार की जानकारी दी गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं में होने वाली बीमारियों एवं उनके उपचार के संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधीश राजेश जैन उपस्थित रहे। तो प्रयास हम ये करें कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सब हों, गलत आंकड़े बिल्कुल ना दिए जाएं, ये आप सुनिश्चित कर लें। कोई गलत आंकड़े देने की ना तो जरूरत है ना दें, जो वास्तविक रूप में काम है वो दिखना चाहिए और काम अगर कम है तो हम सुधार करें, वो महत्वपूर्ण है कि हम लोग सुधार करें, कार्रवाई करेंगे पेंशन और इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए जो दे रही है उसके आधार पे आप ले लीजिए, हमारी जिले की रेटिंग हो रही है, पिछली बार आपने देखा था 47 के नंबर पे थी, इस बार जो अप्रैल शहर में आज मेंटेनेंस के चलते कई जगहों पर बिजली गुल रही। विद्युत विभाग के अनुसार 1 बजे विद्युत प्रदाय शुरू किया जाना था जो कि शाम 5 बजे तक भी नहीं हो पाया। इसी के चलते आज दिन भर लोग पसीना बहाते नजर आए, वहीं लोगों के कामकाज भी ठप रहे। हर साल विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों की बिजली गुल रखता है, उसके बाद भी गर्मियों के दिनों में परेशानी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। Thank you.
बनाने के विवाद को लेकर एक युवक पर किया ईंट से हमला। युवक अपने परिवार सहित पहुंचा सिटी थाने। विदित रहे कि बताशा गली में रहने वाले अंशुल जैन को उसके पड़ोस में ही रहने वाले चिरायु अग्रवाल ने ईंट से हमला कर घायल कर दिया। इसी के चलते अंशुल के माता पिता के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसे आशय की रिपोर्ट लिखाने अंशुल सिटी कोतवाली पहुंचा। मैं मतलब सुबह में दुकान पे बैठा हुआ था और मेरा पड़ोसी जो मकान बना रहा है, कौन है वो अग्रवाल है नवी सत्यनारायण प्रेस वाले, तो उनका मकान बाजू में बन रहा है। उन्होंने अवैध दीवार बना ली हमारे घर से लगा था, तो उनसे बोला गया था कि पिछले 2 महीने से बोला जा रहा है कि जो हमारा सीवेज पाइप आ रहा है ऊपर से, वो उन्होंने दीवार बना के उसे ब्लॉक कर दिया है, तो उसे तोड़ने का, तो कल उनसे बोला गया तो वो तोड़ने का उन्होंने मना कर दिया। आज वो तोड़ने लगे तो वो जिस जहाँ तक बोला था वहाँ से कम तोड़ रहे थे, तो पापा जी ने बोला तो उन्होंने पापा जी के साथ अटापाई करी। ये देख के मैं पीछे गया तो उन्होंने मुझे भी धक्का दिया, तो हम धक्का धक्की में चारों लोग गिर गए। मम्मी हमें बचाने आई तो उन्होंने मम्मी के साथ भी अटापाई करी और मम्मी के शटर से लग गए, तो फिर उन्होंने हम चारों गिरे तो उनके छोटे वाले भाई चिरायू ने उठा के मेरे सिर पर ईंट मार दी यहाँ पर, तो और मजा लग गई है। गर्मी की शुरुआत में ही हड्डी मिल निवासियों को आ रही पानी की दिक्कत। निवासियों का कहना है कि बोर में पानी कम होने की वजह से उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। वहीं जो टैंकर पानी सप्लाई करते हैं उनका आधा पानी फैल जाता है और आधे टैंकर में ही उन्हें संतोष करना पड़ता है। इसकी शिकायत को लेकर मोहल्ले वासी कई बार पीएचई विभाग में जा चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी के चलते हमने हड्डी मिल के पंप चालक दिनेश से बात की, तो उन्होंने बताया कि बोर काफी पुराने हो चुके हैं जिसके चलते पानी की कमी आ गई है, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। मोहल्ले वालों की सहायता के लिए पीएचई विभाग द्वारा पानी के टैंकर की सप्लाई की जा रही है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। हम 2-3 बार पीएचई भी हो जाए पानी के लिए, पर साहब कहते हैं 2-4 दिन में टंकी चालू हो जाएगी, पीने का पानी मिले। अब टैंकर भी लेके आता है बड़ी मुश्किल, 2-3 दिन में हो जाएगी। तो अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, अब 15 तारीख की सुन रहे हैं, 15 तारीख को। तो टैंकर इधर रोज आते हैं? टैंकर हाँ रोज आ रहे हैं। कोई दिक्कत हो गई, पानी की पूर्ति हो जाती है आप लोगों की? अभी पानी की करी ना, आज तो बहुत अच्छे भर रहे हैं पानी, ये देखो नहीं लड़ने आते हैं लोग, पानी नहीं भरने देते। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या और हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। अगर हम पीएचई जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि टैंकर आ रहा है, और टैंकर एक क्या आधा मिलता हमारे लिए। अच्छा, और क्या, तो इधर रोज एक टैंकर आता है? एक टैंकर आता है रोज, पर आधा टैंकर पानी मिलता हमें और आधा नीचे चला जाता है। अच्छा, और क्या? तो इधर बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? ट्यूबवेल नहीं, हम लोगों के तो नल लग रहा है ना, पर वो लोग है ना, मतलब जब पानी नहीं है तो आएगा कहाँ से? अच्छा, ट्यूबवेल में काम नहीं कर रहा है? हाँ, और टंकी चालू कर नहीं रहे वो लोग। पानी की व्यवस्था जो है कि पुराने बोर है वो सर सूख चुके हैं, अब नगर पालिका द्वारा नए बोर कराए, उनका मिलान हो रहा है अभी चालू होने। तो अभी तक क्या सिर्फ टैंकरों से सप्लाई हो रही है? टैंकरों से सप्लाई हो रही है, कुछ आधी बस्ती में, जो आधे बस्ती में कुछ बोर कम पानी देते हैं वो चलते हैं। तो इतनी बड़ी इलाके में सिर्फ एक टैंकर आता है क्या? नहीं, और टैंकर हैं, 6 टैंकर हैं। 6 टैंकर हैं, अलग अलग गलियों में सभी जगह लगते हैं। मतलब एक 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 इलाके में एक टैंकर एक जगह पे, एक टैंकर आता है, 6 आते हैं हड्डी में। स्वच्छ भारत और स्वच्छ प्रदेश के लिए सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, इसके बावजूद भी स्वच्छता कोसों दूर नजर आती है। लोगों को शौचालय में ले जाने के लिए विज्ञापन भी काफी पैसा बहाया जाता है, इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसा ही एक नजारा गुना में सुबह सुबह आम है, जब लोग शौच के लिए घर के बाहर नजर आते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। गुना जिला 80% से ज्यादा ODF घोषित हो चुका है, उसके बाद भी क्यों लोगों को शौचालय तक नहीं ले जा पा रहा, समस्या परे है। वहीं यदि शहर में ये नजारा देखने की मिल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालत क्या होगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखने लायक होगा कि प्रशासन इस खबर को देखने के बाद क्या कदम उठाता है।
शहर को सूखाग्रस्त किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और शुरू हो गए अवैध उत्खनन। शहर के बूढ़े बालाजी क्षेत्र में आज ही बोरिंग मशीन देखी गई, संभवतः उत्खनन ही हो रहा होगा। वहीं एक शासकीय कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अवैध उत्खनन तो होते ही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, बल्कि रोक लगाने के नाम पर अधिकारी और पुलिस प्रशासन जरूर मजे में हो जाएंगे। जहां पूरा शहर पानी की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं पीएचई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते बह रहा लाखों लीटर पानी। हम बात कर रहे हैं सिसोदे कॉलोनी में पाइपलाइन के फूट जाने से लाखों लीटर पानी नाली में बह रहा है, वहीं रहवासी पानी की किल्लत से हो रहे परेशान। सिसोदे कॉलोनी की नाली में बह रहा बेशकीमती पानी, बीएसएनएल के पीछे पाइपलाइन फूट जाने से बह रहा पानी, रहवासियों की शिकायत के बाद भी 3 दिनों से पानी लगातार फैल रहा है। दूर पड़ता ही जा रहा यार। धरना आपदा में मौसम के बदले मिजाज, कल की बारिश के बाद आज भी दिन भर छाया रहा अंधेरा, लोग सूर्यदेव के दीदार को भी तरस गए। वहीं तेज गर्जना के साथ साथ पानी और आंधी के चलते दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर ही बंद हो गए, वहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। नानाखेड़ी मंडी में फसल बेचने आया किसान बना ठगी का शिकार। नानाखेड़ी में धरनावदा से अपनी फसल बेचने के लिए किसान को एक व्यक्ति ने फसल खरीदने का लालच देकर उसकी फसल को एक ऑटो में रखवाया और खुद की मोटरसाइकिल उस किसान को देकर मंडी पहुंचने को कहा। मंडी में काफी देर खड़ा रहने के बाद भी जब वह व्यक्ति नहीं आया तो वह किसान परेशान होकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। किसान को जब तक समझ में आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसान कैंट थाना पहुंचा और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जब मोटरसाइकिल के मालिक की पहचान करने हेतु कोशिश की गई तो पाया कि मोटरसाइकिल तो चोरी की है। किसान ने कैंट थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, वहीं चोरी की मोटरसाइकिल उक्त किसान के पास ही है। अब देखना ये होगा कि किसान के वेतन के प्रशासन सुन पाएगा और आरोपी को ढूंढ पाएगा या नहीं। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। जी हुआ, माने बोली मंडी जी बेके जी भाव में ले लूँगा छना, मेरे लड़के की शादी है बच्ची की और लड़की मेरे काम में जाए, होटल चलती और एक साल का खर्चे के लिए ले रहा हूँ मैं छना, तो मैं बूढ़े वाला जी पे मैं तुला लूँगा। तो बहने मान के ऑटो में मंडी बेके जी भाव में ले लाऊँगा, तो बहन के टैक्सी में रखवा लें अपन, टैक्सी से तुलवा ले गए, तो टैक्सी में रखवाए जैसे तो बहुत अंधी हवा आ गई, कचरा भरगा वहाँ के यहाँ बहने मोटरसाइकिल मुँह पकड़ा दी यहाँ, तो मैं मोटरसाइकिल से आगे निकल चला, बाकी मोटर नहीं निकली वह गली से जब आया। तो वो व्यापारी आपको नहीं मिला? वो नहीं मिला जब से। क्या चाहेंगे आप प्रशासन से? तो भाई चाह रहा है वो मिले वो जल्द से जल्द, परेशानी में पड़ रहा है बहुत जोर से। तो वो गाड़ी वापस लेने नहीं आया, किसकी गाड़ी है वो? गाड़ी लेने नहीं आया वो, किसकी गाड़ी है कौन है? अच्छा, इसका आपने कोई पुलिस में इसकी कोई आवेदन वगैरह दिया? आवेदन दिया अशोक नगर जाए वहाँ कैंट थाने में जाके। अच्छा अच्छा, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या बोला है? मैंने बोला तुम तो जो गाड़ी ले जाओ घर पे, हम देखेंगे इनकी जांच मिलाएंगे। जी जाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।